दोस्तों नमस्कार। राजस्थान के अधिकांश जिलों का मौसम पूरी तरह से बदला हुआ बीते कई दिनों से आपको देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण आगामी 24 से 48 घंटों के लिए एक बार फिर हाई अलर्ट करते हुए IMD ने चेतावनी जारी कर दी है। अब दोस्तों आपको कौन कौन से जिलों में आज रात भर तीव्र मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिलेगा और दोस्तों आगामी 24 से 48 घंटों तक राजस्थान में कहां कहां पर किस तरह की मौसम की गतिविधियां रहने के आसार हैं। राजस्थान के कई जिलों से कमेंट आए हैं कि सर ये बारिश का सिलसिला और आंधी तूफान ओलावृष्टि की ये गतिविधियां बनी हुई हैं, आगामी कितने दिनों तक इसी तरह से रहेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल विस्तार से अवगत कराया जाएगा। यदि दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मौसम संबंधित प्रत्येक जानकारी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। अब दोस्तों हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में आपको राजस्थान में कहां कहां पर किस तरह की मौसम की गतिविधियां नजर आई थी। बीते 24 घंटे में दोस्तों सर्वाधिक बारिश सापुरा भीलवाड़ा में 75 mm बारिश दर्ज की गई, जो कि दोस्तों बीते 24 घंटे की राजस्थान की सर्वाधिक बारिश मानी जा रही है। इसके अलावा भीलवाड़ा के बदनौर में आपको 56 mm, बिजोलिया में 26, डेगान नागौर में 31, किशनगंज वारा में 36, अटरूवारा में 23, शाहबाद वारा में 22, रामगंज मंडी कोटा में 35, करनपुर गंगानगर में 25, कपासन चित्तौड़गढ़ में 25, बेंगू चित्तौड़गढ़ में 21, नीमराणा अलवर में 60, नाथद्वारा राजसमंद में 22, नसीराबाद अजमेर में 22, समदड़ी बाड़मेर में 49, पचपदरा बाड़मेर में 29, केसरायपाटन बूंदी में 32, हिंडौली बूंदी में 30, तलेडा बूंदी में 26, असनावर झालावाड़ में 20, झालारापाटन बूंदी में 23, पंचपहाड़ बूंदी में 22, किशनगढ़ रैनवाल जयपुर में 32, फागी जयपुर में 35, पावटा जयपुर में 26, चौथ का बरवड़ा सवाई माधोपुर में 22, खेतड़ी झुंझुनू में 50, श्री माधोपुर सीकर में 32। तो दोस्तों इस तरह से आपको बीते 24 घंटे में राजस्थान में सर्वाधिक बारिश का दौर देखने को मिला। इनके अलावा भी दोस्तों राजस्थान में हल्के से मध्यम बारिश का ये दौर राजस्थान के लगभग प्रत्येक जिले में और दोस्तों प्रत्येक तहसील में देखने को मिला था। पुरानी वीडियोज में कुछ लोग कॉमेंट करके पूछ रहे थे कि सर ये बारिश का सिलसिला लगातार कितने दिनों तक और राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बारिश की यह गतिविधियां लगातार 8 मई तक इसी तरह से राजस्थान के अधिकांश जिलों को आपको प्रभावित करती हुई नजर आएंगी। इस पश्चिमी विक्षोभ का असर आपको लगभग उत्तरी भारत के प्रत्येक राज्य में देखने को मिल रहा है और कई स्थानों पर झमाझम बारिश का दौर बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में दोस्तों इस पश्चिमी विक्षोभ की सर्वाधिक सक्रियता आपको फिलहाल भी देखने को मिल रही है। आगामी 24 से 48 घंटों की अगर बात करें तो दोस्तों राजस्थान में इसका सर्वाधिक असर आपको गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर, इसके अलावा दोस्तों कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में इसका दोस्तों आगामी 24 से 48 घंटों तक सर्वाधिक असर राजस्थान के इन जिलों में देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों की अगर बात करें तो दोस्तों यहां पर बारिश की हल्की फुल्की बौछारें आपको नजर आएंगी। आगामी 24 से 48 घंटों तक भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला आपको दोस्तों बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, कोटा और अजमेर संभाग में दोस्तों ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। जोधपुर संभाग और दोस्तों कोटा संभाग में बीते 24 घंटे की तुलना में आपको दोस्तों बारिश की ये जो गतिविधियां हैं इनमें हल्का सा ब्रेक देखने को मिलेगा। दोस्तों पांचों संभाग यानी कि बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा, अजमेर, इन संभागों के टेम्परेचर में आगामी 24 घंटे में एक बार फिर से आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों 2 मई से फिर से एक नया WD एक्टिव होने वाला है। इसका असर उत्तरी भारत के लगभग संपूर्ण मैदानी राज्यों में आपको एक बार फिर देखने को मिलेगा। एक के बाद एक नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण राजस्थान के अधिकांश जिलों के टेम्परेचर में आपको एक बार फिर गिरावट देखने को मिलेगी। राजस्थान के तापमान में दोस्तों आपको भारी गिरावट नजर आएगी। लगभग प्रत्येक जिले के तापमान में आपको दोस्तों आगामी दिनों में
तीन से चार डिग्री सेल्सियस तो दोस्तों कुछ स्थानों पर आपको 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिलेगी। राजस्थान के ज़्यादातर जिलों का तापमान दोस्तों आपको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही देखने को मिलेगा। अब की बार दोस्तों ये जो पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है दोस्तों ये भी एक ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ है और इसकी वजह से फिर से राजस्थान सहित आपको कई अलग अलग राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का दौर नजर आएगा।